वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं देखिया कि सरकार ने पुरानी गड्डियां बंद करती हैं, पंजाब सरकार ने, तो मैं कहना चाहता कि सरकार नूं इस नाल बहुत ज़्यादा घाटा पेगा, क्योंकि किन्नियां पुरानी गड्डियां हज़ारां दे हिसाब नाल पंजाब विच 100 चों 80% लोग तो पुरानी गड्डी लेके चलांदे आ, ठीक है जी। उस तो बाद उन्हूं नाम करांदे आ, जे कोई अदर स्टेट तो लेके आ रहा पंजाब तो वह टैक्स देंदे आ, जो कि एक नवी गड्डी के मुताबक ही पै जाता, काफ़ी पैसे पै जाते। उस तो बाद फिर इंश्योरेंसां दा कमाई जो होंदी सरकार नूं वह घट जानी। उस तो बाद जिहड़ियां गड्डियां लोकी पास कराते रीन्यू कराते डी टी ओ आर टी ओ कोल जाते उन्होंने जिहड़े पैसे लगते आ वह घट जाने, मतलब कुल मिला के देखा जाए कि सरकार नूं इहदे विच कोई फायदा नहीं दिख रहा, मैनू भी घाटा ही घाटा दिख रहा। सरकार घाटे विच ही जाएगी, क्योंकि करोड़ों रुपया जो डेली दा पुरानियां गड्डियां तो आंदा सी वह खत्म हो जाएगा। नाम कराने वाला सिस्टम जो पुरानी गड्डी एक तो दूजी लोग करते वो घट जाएगा, लोग बड़ियां गड्डियां लेनियां घट जूंगे, छोटियां लोगे कि सस्ती है, चलो छेती 10 साल बाद कबाड़ च भी सटनी पेगी तो थोड़े पैसे का नुकसान होगा, और आम बंदे की गड्डी पहुँच तो बाहर हो जाएगी, क्योंकि अगला पुरानी लेगा नहीं, कोई छेती छेती बेचेगा नहीं, क्योंकि अगला कहेगा मैं 2.5 पैसे लगाए हैं पुराने मिलने नहीं, इन्हें उन बेच नहीं क्यों चलाई जाओ, और 8-10 साल च गड्डी हुंदा भी कुछ नहीं। उल्टा सरकार नूं बंद करन तो इलावा यह चाहिए कि पुरानियां गड्डियां दा कुछ लिमिट रख देवे एक गड्डी दा कि इन्ने पैसे लगने ही लगने हैं जे इन्ने साल तो बाद गड्डी पुरानी हो जाती है, ठीक है। जिन्ने पहले लेंदे सी उस तो ज़्यादा कर देवे, फीस वधा दो, दी आम लोग नूं भी फायदा, इहदे च सरकार नूं भी फायदा। इसलिए मैं भगवंत मान साहब नूं हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा कि सोचो, कुछ लोगों बारे सोचो, जो गड्डियां बंद करन दा तुसीं फैसला लिया है उहदे ते विचार करो, इस नाल लोग भी तुहाडे तों टुटणगे और लोगों को नुकसान भी बहुत होएगा और सरकार को इनकम भी घटेगी काफ़ी हद तक, ठीक है जी। ये मेरी सरकार तक वीडियो वध तो वध फैला के पहुँचाओ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।